नमस्ते गुरुकुलियंस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके बच्चों, तो इससे जुड़े बेसिक रिजल्ट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, आज हम उन सभी रिजल्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं जल्दी से आपको जो पिछला वर्क था, ओके, जितना मैंने काम किया पिछले लेक्चर में, मैं एक बार आपको सारा वो रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, तो भी जल्दी से आप एक बार रिवीजन ले लें। बच्चों सबसे पहले है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने के ओके के लिए जितने भी हमारे बेसिक रिजल्ट थे, ओके, उनके बारे में हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप देखें, लास्ट टाइम है ना, सबसे पहला रिजल्ट जो बच्चों हमने पढ़ा वो क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके बच्चों, जब जब साइन थीटा क्या होगा, जीरो। ओके, तो ऐसे में जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा बच्चों, पाई का मल्टीपल। ठीक है, एन बिलोंग्स टू आई, कैपिटल आई या कैपिटल जेड। ओके, तो इसके बाद कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कौन कौन से एंगल थे जहां पर कोस क्या था बच्चों, जीरो, तो वो सभी एंगल थे पाई बाय टू के ओड मल्टीपल। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, आप जल्दी से एक बार रिविजन कर रहे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू आई। ओके, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है बच्चों, तो इनको आप याद कर लेंगे। और इससे अगला रिजल्ट बच्चों जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, रिजल्ट नंबर टू, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है ना, देन द जनरल रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाई एन पाई प्लस ओके एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, तो सेकेंड बच्चों में रिजल्ट क्या पढ़ा, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई एन बिलोंग्स टू आई। सही है बच्चों, एंड इट्स थर्ड पार्ट इज इफ टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। ओके बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इन सभी रिजल्ट्स को प्रूफ के साथ किया था। ठीक है, अगर आप उन प्रूफ को चाहें तो ठीक है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को याद करें, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीरियर। सही है बच्चों, तो हमने इस सेकेंड रिजल्ट को पढ़ा और इसके बाद जो लास्ट टाइम हमने जो रिजल्ट नंबर थ्री पढ़ा बच्चों वो क्या था, आप लिख लें, हालांकि लिख तो आप चुके हैं, बस एक बार आप रिवाइज कर लें इन चीज़ों को। नंबर वन, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई है ना, देन द जनरलाइज्ड रिलेशन बिटवीन दीज टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज गिवन बाय एन इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ओके, ओब्वियसली एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ओके बच्चों, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है, एंड रिजल्ट नंबर थ्री इज, बेटा वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक द डिस्प्ले। ओके, दिस पोर्शन इज विजिबल। ओके, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, इस रिजल्ट को भी हमने विद प्रूफ पढ़ा। ठीक है, कि कैसे हमने इसको प्रूफ किया, तो बेटा जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। आज हम इन सभी रिजल्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम बेटा हमने क्या पढ़ा, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है ना, तो वो सॉल्यूशन यानी एंगल्स का वो वैल्यू। ठीक है, पहली बात, जो एंगल गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और दूसरी बात, जो भी सॉल्यूशन होंगे बच्चे, अगर वो ठीक है बच्चों, जो भी सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, अगर वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो भाई उसे बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, और वो सॉल्यूशन जो सभी सॉल्यूशंस को
सभी सॉल्यूशन को एक जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय, ठीक है, मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है बच्चों, इसे भी हम जनरल सॉल्यूशन या जनरल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, ओके। आई होप कि आपने सभी रिजल्ट को अच्छे से मेमोराइज कर लिया होगा। तो बच्चों लिखें आप क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4, ओके बच्चों। अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी कि यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है या जनरल सॉल्यूशन, बच्चों अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तो फिर आप हमेशा जनरल सॉल्यूशन लिख कर आएंगे, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन वाला स्पेशली मेंशन करेगा क्वेश्चन में, ओके, कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसका हमेशा जनरल सॉल्यूशन लिख कर आएंगे, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2, सही है। तो आप क्या देखेंगे, वी कैन राइट रूट 3/2 इन टर्म्स ऑफ साइन एज साइन 5/3, सही है बच्चों। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से जो x आएगा वो क्या आएगा, 5/3, या फिर ओके अगर आप पाई माइनस 5/3 करते हैं, सही है बच्चों, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, साइन 5/3, यानी कि रूट 3/2, सही है। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हैं 5/3 एंड 2π/3, ओके बच्चों, ये सोल्यूशन क्या है मेरा, प्रिंसिपल सोल्यूशन। आप लिख लें ये सोल्यूशन कौन सा है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, सही है। अगर बच्चों बात करें इसके जनरल सोल्यूशन की, ठीक है, मतलब सोल्यूशन के लिए वो एक्सप्रेशन जो सभी सोल्यूशंस को एक बारी में ही रिप्रेजेंट कर दे, ओके, तो आप याद कीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई, सही है। यहाँ पे बच्चों एक्स कौन है, एक्स, और वाई कौन है बच्चों, पाई बाई 3, यानी कि यहाँ से बच्चों जो मेरा एक्स आएगा वो क्या आएगा भाई, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन पाई बाई 3, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, सही है बच्चों। अच्छा आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप, ठीक है, इसे साइन पाई बाई 3 क्या होगा, रूट 3/2, यहाँ पर आप कोई भी, है ना, एक एंगल पुट कर सकते हैं जो आपको रूट 3/2 वैल्यू देगा, सही है, जो आपको साइन के ऊपर रूट 3/2 वैल्यू देगा, सही है। तो भी ये मेरा बिल्कुल सही सोल्यूशन होगा, ये मेरा क्या है बच्चों, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा अगर किसी बच्चे ने इसको इस प्रकार से लिखा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2π/3, है ना भाई, क्योंकि साइन 2π/3 का वैल्यू भी कितना था, रूट 3/2, है ना। तो भाई अगर किसी बच्चे ने बजाय पाई बाई 3 के इसको साइन 2π/3 लिखा, ओके, और फिर उसने इसको कहा एक्स और इसको कहा वाई, ओके, और यहाँ से जनरल सोल्यूशन निकालना, ओके, तो आंसर क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन 2π/3, सही है बच्चों, एन बिलोंग्स टू जेड। तो भाई उसका ये आंसर भी बिल्कुल सही होगा, ये अलग बात है कि बुक में आपको ये आंसर देखने को मिलेगा, ओके, ये आंसर और ये आंसर 100% सेम है, ओके। तो यदि आपका आंसर बुक से मैच ना करे, ठीक है, और आपने यदि प्रोसेस सही किया है, ठीक है, तो तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा बच्चों, भले ही वो बुक से मैच ना करे। अच्छा इन दोनों क्वेश्चंस में आंसर में, है ना, इन दोनों आंसर्स में डिफरेंस केवल इतना होगा कि यहाँ पर जो आंसर का सीक्वेंस है, है ना, केवल उसका डिफरेंस होगा। मान लो आपने यहाँ पर एन को वन पुट किया, है ना, एन को वन पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी आपको, हो सकता है वो वैल्यू आपको एन को यहाँ पर 0 या 2 पुट करने पर मिले, ठीक है, सही है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर का थोड़ा सा सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, सही है, तो लेकिन सॉल्यूशन इसके वही आएंगे जो आने चाहिए, ओके। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन लिखिए, सोल्व। अच्छा मैं कुछ बात नहीं कर रहा सोल्यूशन के बारे में कि किस प्रकार का सोल्यूशन है, जनरल या प्रिंसिपल, इट मीन्स हम हर बार जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप लिख ले बच्चों साइन 5x/3 इज इक्वल टू 0, बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 5x/3, ओके। तो भाई यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा होगा 0 तो जो एंगल थीटा है
अभी बच्चों वो क्या होगा, एन पाई, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ओके, एक्स इज इक्वल टू थ्री एन पाई बाई फाइव, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, कैपिटल आई या कैपिटल जेड, सही है। तो बच्चों ये आएगा आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे बच्चों इसके, सॉरी जनरल सोल्यूशन है ये, ओके, ये क्या है मेरा जनरल सोल्यूशन। अगर आप बात करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन की, तो आप एन को पहले जीरो पुट कर सकते हैं, है ना, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा जीरो, सही है। अगर आपने एन को वन पुट किया तो बच्चों कितना आएगा, थ्री पाई बाई फाइव, सही है। अगर आपने एन को टू पुट किया, सही है बच्चों, तो कितना आएगा ये, सिक्स पाई बाई फाइव, सही है। ये आपका है जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ऑल दी सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। अच्छा, आपने क्या किया, जीरो, ओके, वन पुट किया, टू पुट किया। अगर आप माइनस वन माइनस टू पुट करेंगे तो फिर भाई वो इस इंटरवल से आउट हो जाएगा, सही है। अगर इस इंटरवल से आउट हो गया तो भाई फिर वो प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं होगा, ओके बच्चों। अब आप क्या करेंगे, अब आप एन को थ्री पुट करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, नाइन पाई बाय फाइव, सही है। बस आप देख लें सोल्यूशन टू पाई से बाहर हो जाए। अगर आपने फोर पुट किया, सही है बच्चों, तो भाई अब ये सोल्यूशन कितना होगा बच्चों, देखना आप, ट्वेल्व पाई बाय फाइव, है ना, जो कि जीरो टू टू पाई इंटरवल से बाहर होगा, है ना, टू पाई से बड़ा वैल्यू होगा इसका। तो बच्चों यहाँ तक होगा मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ओके। अच्छा, जब वन बाय वन आंसर निकालते हैं, है ना, जैसे एन की किसी एक वैल्यू के लिए जब आंसर निकालते हैं, है ना, वन बाय वन जब हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो ऐसे सोल्यूशंस को बोलते हैं भाई पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। ये जो वन बाय वन वैल्यू आ रही है ना एन को जीरो वन टू थ्री पुट करने पर, ये क्या है बच्चों, पर्टिकुलर सोल्यूशन, है ना, ये पूरा कुल मिला के क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन सभी सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करे वो क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। आप सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहें, बच्चों राइट डाउन, सोल साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके। भाई आप बिल्कुल साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि साइन सी प्लस साइन डी, है ना, एप्लीकेबल है, साइन सी प्लस साइन डी, ओके। अच्छा, मैंने इनके बीच में क्यों लगाया, जिसे 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3x। तो ऐसा करने के बाद इजली हमें साइन 3x कॉमन मिल जाएगा, सही है। आप लगाइए साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, यानी कि 3x इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, ओके। तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 2x, लेकिन कोस का नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, है ना, कितना हो जाएगा, कोस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आएगा, साइन 3x, अंदर क्या बच गया भाई, 2 कोस 2x प्लस 1, सही है बात, इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये जीरो होगा और या तो ये जीरो होगा, सही बात, या तो भाई साइन 3x इक्वल टू जीरो, और सही है, आप सोल्यूशन के बीच में, ठीक है, सोल्यूशंस के बीच में आप और का यूज़ करते रहें, ओके, या तो ये आंसर होगा और या तो ये आंसर होगा, ओके, मतलब कुल मिला के इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन कह सकते हैं, ओके। तो भाई यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, लिखिए बच्चों। अच्छा, साइन 3x क्या होगा बच्चों, जीरो, तो यहाँ पर थीटा कौन है, 3x, तो ऐसे में जो 3x का वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चों, एन पाई, ओके, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एन पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो बच्चों एक आपका आंसर आएगा ये। अच्छा, अगर आप कोस 2x इक्वल लेंगे भाई माइनस 1 बाई 2 के, चलिए कोस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर, है ना, कोस का वैल्यू माइनस 1 बाई 2 दिखा सकते हैं, ओके, जहाँ पर आपको मिल जाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, जैसे कोस का वैल्यू
वन बाय टू कब होगा, है ना। हालांकि वो नेगेटिव चाहिए हमें, पहले आप देखें वन बाय टू तो भी कहाँ पर होगा, पाई बाय थ्री पर, है ना। तो कोस पाई बाय थ्री कितना होगा, वन बाय टू, ओके, कोस पाई बाय थ्री, सही बात है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो आई कैन राइट माइनस कोस पाई बाय थ्री एज कोस पाई माइनस पाई बाय थ्री, क्या ये बात सही है, है ना। अच्छा, यहाँ से आप, जरूरी नहीं है कि मैंने 2 पाई बाय 3 निकाला तो आप भी 2 पाई बाय 3 निकालें, आप किसी भी एक एंगल पर, है ना, यहाँ पर वैल्यू सेट कर सकते हैं जहाँ पर आपको कोस का मिलेगा माइनस वन बाय टू, सही है। तो भाई कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाय 3, तो आप याद करिए, इफ़ कोस x इज इक्वल टू कोस y, है ना, देन द जनरल रिलेशन बिटवीन द एंगल्स x एंड y इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 2n pi plus minus y, where n is, n belongs to set of integers. तो आप लिख लें 2x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3, okay? n belongs to set of integers, okay? I hope कि आपने नोट कर लिया होगा ये। अच्छा, यहाँ पर आप और लगाते चले, सही है। तो अभी आपका x क्या होगा बच्चों, n pi plus minus pi by 3, n belongs to सेट ऑफ इंडियस, ओके। तो भाई आपके दो आंसर आएंगे, या तो आपका आंसर ये होगा, सही है, और भाई या तो आपका आंसर ये होगा, ओके। आप जल्दी से अगला क्वेश्चन नोट करें, सोल्व, ओके। अच्छा, अगर बात करें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, ठीक है, तो आप एक काम करना इन दोनों सॉल्यूशंस में, ठीक है, जो यहाँ से और यहाँ से मिला आपको, यहाँ पे आप n को 0, 1, 2, माइनस 1, माइनस 2, ठीक है, मतलब ऐसे इंटीजर्स पुट करिए और देखना कि कौन सा आंसर आपका इस इंटरवल से बिलोंग कर देगा, ओके। तो भी वो मेरा काउंट होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लिखिए सोल्व कोस x प्लस कोस 2x, सही है, कोस 3x, सॉरी कोस 3x, एक मिनट, आप लिखिए कोस x प्लस कोस 3x माइनस 2 कोस 2x इज इक्वल टू 0, ओके। तो भी देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसमें, है ना, इसमें क्या कर सकते हैं, कोस c प्लस कोस d, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d तो आगे चल के क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 2x बनेगा, है ना, यानी पूरा फंक्शन क्या बनेगा, cos 2x, तो cos 2x ईजली दोनों में कॉमन आ जाएगा, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, ओके, क्या बन जाएगा 2x इंटू cos c माइनस d बाई 2, सही है, माइनस 2 cos 2x। तो जल्दी से आप 2 cos 2x कॉमन लेकर चलेंगे, क्या बचेगा भाई, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई या तो बच्चों ये 0 होगा, और भाई या तो ये 0 होगा, cos x इज इक्वल टू 1, सही है बच्चों। cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, 2x, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा तो थीटा क्या होगा, पाई बाई टू का ओड मल्टीपल, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ओके। ओब्वियसली n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके, ये आप हर बार लिखें, आप हर बार मेंशन करते रहें कि n कहाँ से आएगा। चलिए x क्या आएगा बच्चों, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, सही है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों मेरा एक आंसर तो आएगा ये, सही बात। अच्छा, दूसरी बात, cos x इज इक्वल टू 1, है ना बच्चों, आप छोटी मोटी वैल्यूज को आप डायरेक्टली आप याद करिए, जैसे cos n पाई माइनस 1 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब, है ना, एंगल में क्या आएगा, पाई का इवन मल्टीपल आएगा तब तो उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, प्लस 1, है ना, और जब जब ओड मल्टीपल आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1। cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सभी क्या होंगे, प्लस 1, और cos 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, बच्चों ये सभी क्या होंगे, माइनस 1, ठीक है। या फिर आप इसको
जनरल सॉल्यूशन की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? इसे कोस एक्स इक्वल टू वन है तो पहले आप यहाँ पर एक एंगल के साथ कोस सेट करें, है ना, जिसका वैल्यू कितना होगा वन। बच्चों अगर आप देख पाएंगे तो कोस जीरो इज इक्वल टू वन, है ना। तो अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई होगा तो एक्स कितना आएगा टू एन पाई प्लस माइनस जीरो, सही है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई, सही है बच्चों, टू एन पाई। तो आप लिख लें एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सही है। तो ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन साथ साथ ही नोट डाउन करते रहें। भाई इसके बाद आप नोट डाउन करें टेन फाइव एक्स इंटू टेन एक्स टेन टू एक्स टेन फाइव एक्स इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू वन। सोल्व लिखें आप टेन फाइव एक्स इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू वन। ओके भाई पहली बात तो आप ये काम करें, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्व करने बैठते हैं तो हर जगह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहा होगा वहाँ पर एंगल सभी में आप सेम रखिए। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर आ रहा साइन एक्स कहीं पर आ रहा साइन टू एक्स तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ एंगल फॉर्मूले की मदद से टू एक्स एंगल को एक्स के टर्म में लेकर आएंगे, सही है। मतलब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल होगा वो सेम टर्म में रखिए। ओके जैसे एक्स है या टू एक्स है या सभी में एक्स बाय टू है। इसके बाद आप लिखें टेन फाइव एक्स इंटू टेन टू एक्स इज इक्वल टू वन। ओके तो आई कैन राइट इट एज साइन फाइव एक्स बाय कोस फाइव एक्स। ओके साइन टू एक्स बाय कोस टू एक्स। बच्चों आप बिल्कुल साफ देख पाएंगे कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, है ना, तो क्लियरली कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, कोस ए प्लस बी का, है ना। आप देखें कोस फाइव एक्स इंटू कोस टू एक्स, सही है, माइनस साइन फाइव एक्स साइन टू एक्स, सही है बच्चों। ये मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा और ये इधर आएगा, इक्वल में क्या रह जाएगा जीरो। कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कोज ए प्लस बी फाइव प्लस टू एक्स, जल्दी से करें भाई, कोज सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर कोज सेवन एक्स जीरो है, कोज थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो फिर थीटा क्या आएगा, आप याद करिए टू एन प्लस वन फाइव बाई टू, सही है, एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ से मेरा जो एक्स आएगा बच्चों वो कितना आएगा, टू एन प्लस वन पाई बाय फोर्टीन, सही है, एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। आप हर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन भी मैं बोर्ड के ऊपर सोल्व करवाता हूँ, आप उन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें। चलिए बच्चों इसके बाद आप लिखें, अच्छा भाई आपकी एनसीईआरटी भी साथ साथ ही कवर होती जा रही है। ओके आप देखें वन बाय वन आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके लिखिए आप सोल्व टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स प्लस रूट थ्री टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, सही है बच्चों। लिखें टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स प्लस रूट थ्री टेन एक्स प्लस इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। ओके टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स। अगर आप बच्चों थोड़ा सा दूर तक सोच पाएंगे, है ना, थोड़ा सा दूर तक आप सोच पा रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको उधर लेकर जाएंगे, सही है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, रूट थ्री। और क्या बचेगा आप देखें पहले, अगर मैं इसको उधर लेकर गया, है ना, तो रूट थ्री क्या आएगा बच्चों, कॉमन क्या बचेगा, वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स, सही है। और जैसे ही ये इसके डिवाइड में आएगा आप देखें कौन सा फॉर्मूला कंप्लीट बन गया, टेन ए प्लस बी का, सही है, टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स बाय वन माइनस टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स, सही है, इज इक्वल टू रूट थ्री। अब बच्चों आप देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया ना टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि टेन ए प्लस बी यानी कि टेन थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, सही, टेन थ्री एक्स, अच्छा रूट थ्री को मैं लिख सकता हूँ टेन पाई बाई थ्री। तो आप देखें भाई
वेन एवर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, ओके, देन द जनरल रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाई एन पाई प्लस वाई, सही है। तो क्या आएगा बच्चों, थ्री एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस फाइव बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, सही। तो यहाँ से बच्चों आपका x क्या आएगा, n पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई नाइन, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ओके। बच्चों इसके बाद आप लिखें secant x इज इक्वल टू secant पाई प्लस x, सही है। secant x इज इक्वल टू secant पाई प्लस x, तो ही secant 180 डिग्री प्लस थीटा है ना, क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा माइनस secant थीटा, ओके। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 2 secant x इज इक्वल टू 0, secant x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। भी बच्चों आप याद करें कि अगर cos x है ना, देखो cos x का जो रेंज था वो था क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, अब secant x इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, ओके, तो उसका रेंज इससे आउटसाइड आएगा, यानी वन से आगे और माइनस वन से पीछे, सही है। यानी यहाँ से जो मेरा secant x बिलोंग करेगा बच्चों, वो यहाँ से बिलोंग करेगा, सही है बात। तो भी आप ये देखें secant x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये secant x की रेंज में नहीं आएगा, आपको x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, ओके, जिसको पुट करने पर secant क्या वैल्यू देगा आपको, जीरो वैल्यू देगा। तो भाई इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, आप लिख लें नो सोल्यूशन, ओके बच्चों, नो सोल्यूशन। लिखिए बच्चों उसके बाद tan mx इज इक्वल टू cot mx, tan mx इज इक्वल टू cot, एक मिनट, इधर शायद n है, हाँ इधर n है, यहाँ पर आप n कर लें, tan nx इज इक्वल टू cot mx, सही है। तो भाई देखो बच्चों इसका एक मेथड तो ये है कि आप इसे क्या करेंगे, साइन और कोस की टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कहीं पर साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या फिर कोज ए प्लस बी कोज ए माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, ओके, नहीं तो आप क्या करेंगे डायरेक्टली इसको आप, ठीक है, इस कोट को आप टेन की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, टेन पाई बाय टू माइनस एम एक्स, सही है बच्चों। और उसके बाद आप देखिए टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, यहाँ पर पूरा एक्स कौन हुआ एन एक्स, और यहाँ पर पूरा वाई कौन हुआ भाई पाई बाई टू माइनस एम एक्स, है ना। तो बीच में इनके क्या रिलेशन होगा, एन पाई प्लस, सही है, एन पाई प्लस वाई, वाई यानी कि ये, ओके। अच्छा एक और बात, यहाँ पर आप दोबारा एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एम और एन है ना कोई अलग ही वैल्यूज हैं, और हम जनरल सोल्यूशन के लिए जिस एन का यूज़ करते हैं जो क्या होता है इंटीजर, है ना, उसकी जगह आप यूज़ करें पी का, पी या क्यू, ओके, या टी, कुछ अलग ही नोटेशन यूज़ करें आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो एक अलग ही, ठीक है, नंबर हो सकता है। एन एक्स इक्वल टू पी पाई प्लस पाई बाई टू माइनस एम एक्स, अब हमें निकालना क्या बच्चों x, लेकिन एक x यहाँ पर भी है, तो आप इस x को इस तरफ लेकर आएंगे, है ना, तो भाई m प्लस n आपको क्या बन जाएगा, भाई आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, टू पी प्लस वन फाइव बाई टू, सही है बच्चों, टू पी प्लस वन फाइव बाई टू। तो यहाँ से आपका जो x आएगा बच्चों क्या आएगा, टू पी प्लस वन, ओके, एक मिनट यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, आप लिखते चले, x इज इक्वल टू टू पी प्लस वन, ओके, फाइव बाई टू इंटू में एम प्लस एन, वेयर पी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। तो ये मेरा इसका जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है, आप इसे नोट करते रहें। अच्छा इसके अलावा, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने मेथड रिसीव कर सकते हैं, आप इसे साइन कोस की टर्म में, ठीक है, कन्वर्ट करना, और इसके बाद है ना आप देखना कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या सम या डिफरेंस का, ओके, फिर आप उसे सोल्व कर सकते हैं।
चलो आप इस मेथड से इसे खुद ट्राई करना। लिखे बच्चों उसके बाद फोर कोस क्यूर एक्स, फोर कोस क्यूर एक्स प्लस सिक्स साइंस क्यूर एक्स इज इक्वल टू फाइव। ओके भाई, सबसे पहले आपका जो कोशिश रहेगा, ठीक है, हर जगह ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एक ही टाइप का हो। ओके, जैसे हर जगह या तो साइन हो या तो कोस हो या टेन हो या सीकेंट हो, है ना। अब इसको भी आप कई तरीके सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो पहला मेथड ये है कि आप इसे साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दें, है ना, और हो सके तो कोस के टर्म में कन्वर्ट कर दें, सही है। अगर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करेगा, ठीक है, तब भी आपका आंसर सही होगा। आप एक काम करें, आपका आंसर सही है या नहीं इसके लिए आप क्या करें, वन बाय वन एन की वैल्यू सेट करें अपने आंसर के अंदर, है ना, और वन बाय वन एन की वैल्यू पुट करें बुक्स में दिए हुए आंसर के अंदर, ठीक है, और आप देखें, ठीक है, क्या ये आंसर मैच कर रहे हैं आपस में। बिल्कुल ये मैच करेंगे। ओके, हाँ, इनका सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओके, चलिए, फोर कोस फोर एक्स प्लस सिक्स साइंस फोर इज इक्वल टू वन माइनस कोस फोर एक्स, सही है, इज इक्वल टू फाइव। तो बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा, फोर को स्क्वायर माइनस सिक्स को स्क्वायर, यानी कि माइनस टू को स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव। तो भाई वन इज इक्वल टू टू को स्क्वायर एक्स, सही है, उधर जाके क्या बन गया बच्चों, ये प्लस का और छः में से पाँच गया एक, तो भाई को स्क्वायर एक्स क्या बन गया, वन बाय टू, है ना। अब इसको हम अगर लिखें स्क्वायर के टर्म में, देखो आपको याद होगा ना कि को स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू को स्क्वायर वाई, तो ऐसे में आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई, सही है। देखो हम इस 1 बाई टू को कन्वर्ट कर देंगे 1 बाई रूट टू का स्क्वायर में, सही है, ताकि दोनों ही स्क्वायर के टर्म में आ जाए। तो इस 1 बाई रूट टू को आई कैन राइट कोस पाई बाई फोर, सही है। तो आप याद करो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई। ओके, इसका आंसर क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, सही है, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीरियर। तो भी ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, सही है। चलिए बच्चों आज के लेक्चर में, ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं आप इनके बेसिस पर, ठीक है, जिस किसी भी रेफरेंस बुक से आप ट्राई करते हैं वहाँ से क्वेश्चन को ट्राई करिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर योर एनसीईआरटी, ठीक है, पहले आप एनसीईआरटी करें और बाद में एक्स्ट्रा बुक से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ओके,